एक बेटी अपनी माँ से कहती कि माता जी, कहती शिमले के राय से चंबा कितनी दूर है, मैंने वहाँ पे बसना जरूर है, शिमला में नहीं बसना है, कसौली में नहीं बसना है, बसना चंबा जरूर है। माए मिलिए शिमले दी राह, चंबा कितनी दूर है, हो चंबा कितनी की दूर, शिमले निवसना, शिमले निवसना, कसौली निवसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। चलो चंबा। जस्ट अभी चंबा पहुंचे हैं, टाइम इज 11 AM। काफ़ी टाइम लगता है यार दिल्ली से यहाँ पर पहुँचने में। वी स्टार्टेड एट 8 PM कल रात को। हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, सफोकेशन, मिट्टी मिट्टी एंड ऑल। तो फटाफट जाके रेडी होते हैं थोड़ा सा, आई मीन फ्रेशन अप एंड ऑल, उसके बाद आई विल टॉक टू यू गाइस। तो यहाँ पे अभी भैया बता रहे हैं कि ताल मूवी की शूटिंग हुई थी, एक गाँव है यहाँ पे। भैया गाँव का नाम क्या है? मंगला। मंगला, तो आपने वो गाना सुना होगा, मंगला मैं तो माई के चल, वही वाला मंगला। और वहाँ पे ताल मूवी शूटिंग हुई थी। हमें अभी भैया दिखाएंगे, अगर दिखाएंगे तो हम आपको भी दिखाएंगे। हमने आते ही सबसे पहले यहाँ खजियार ग्राउंड में खाना खाया, बिकॉज वी वर सो डैम हंग्री। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होम स्टे की तरफ, थक गए यार, फटाफट से फ्रेशन अप होना है, उसके बाद एक्चुअल घूमना फिरना शुरू करेंगे। एंड मैं तुम्हें बताऊंगी कि जिस काम के लिए एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर आए हैं, व्हाट इज़ दैट। बट मीनवाइल लेट मी शो यू, ये प्रॉपर ऐसे यू नो गांव के बीच में से कहीं जाके हमारा होम स्टे है, एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ऑथेंटिक एक्सपीरियंस यार। मज़ा तो आने वाला है रहने का यहाँ पर। हमारा होम स्टे, माय गॉड, एकदम क्या ही बोलूं, क्या ही खतरनाक व्यू है यहाँ से। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक दिस अंदर से, दिस इज सो ब्यूटीफुल यार। कल चाय पी थी नहीं इनकी, सो अमेजिंग, काफी ज्यादा प्यारा घर है ये। कौन सा है? दिस प्लेस इज अमेजिंग। दिस करने अगला। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, व्हाट्स अप गाइस। सो फाइनली हम लोग अपने होम स्टे में आ चुके हैं। मैंने तुम्हें थोड़ा थोड़ा पार्ट ऑलरेडी दिखा दिया, लेकिन मैं अच्छे से रूम टूर तुम्हें देती हूँ। और मेरे उस साइड पर, आई डोंट नो इफ यू कैन सी ऑर नॉट, बट देयर इज़ दिस पैराग्लाइडिंग का वो साइट है, जहाँ से लाइक जो जंप करते हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। इस चीज़ को मैं तुम्हें आराम से दिखाऊंगी। एंड नाउ कम्स द मेन पार्ट, दैट वाई आई एम हेयर। सो बेसिकली यहाँ पर एक पैराग्लाइडिंग इवेंट हो रहा है, विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय हिमाचल टूरिज्म एंड चलो चंबा। वो यहाँ खजियार ग्राउंड में होने वाला है, तो खजियार भी मैं तुम्हें भी दिखाती हूँ। But now again, as I told you multiple times, it's a time to go freshen up, get ready and quickly go to that event, because aaj ka din actually it's going to be a very eventful day. But a quick glance of this beautiful Chamba village, and that's the back side of the homestay where we are staying. Iski bhi details main tumhe logo ko description mein de dungi, and yeah, let's go. More power than you like to give yourself credit for. मेरा नाम संजीव कुमार है। ये जो टेको पॉइंट है, ये अल्टीट्यूड लेवल 2500 मीटर पे है। जो लैंडिंग पॉइंट है, ये अप्रोक्स होगी 2400 अल्टीट्यूड लेवल पे। इस इवेंट में जो है चार चीज़ें इसमें पुट की हुई है। एक पैराग्लाइडिंग का इवेंट है, और इसमें पैरामोटर है, और इसमें एक्रोबेटिक का शो होगा जो कि पैराग्लाइडिंग से ही है। और पैरामोटर का जो टेक ऑफ पॉइंट है वो यहीं से होगा, लैंडिंग पॉइंट खजियार ग्राउंड में कर रहे हैं। खजियार में, हाँ जी। जो एक्रोबेट, बाकी जो इसका जो कुछ भी, और आरसी पैरामोटर भी है जो कि टेक ऑफ पॉइंट पे ही होगा। वो ये फर्स्ट पैरामोटर है, और इवेंट भी फर्स्ट है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब कि पैराग्लाइडिंग अप्रोक्स 15 सालों से हो रही थी, बट पिछले 3 साल में ही प्रॉपरली लीगली हुई है।
क्योंकि ये प्राइवेट लैंड में था, पहले गवर्नमेंट में कर रहे थे, अब प्राइवेट में हो गया, तो ये प्रोफेशनली यहाँ पे काम हो रहा है 15 सालों से। हाँ, मैं यहाँ पे इस पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट। गाइस, अभी हम लोग गए थे वहाँ लैंडिंग साइट पे, लेकिन जो आज का इवेंट था ना वो खत्म हो चुका, बिकॉज टाइमिंग वॉज स्टिल 2, और हम ना तुम्हें पता ही है यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 12 बज गए डलहौजी में, एंड उसके बाद फ्रेशन अप एंड ऑल, तो काफ़ी लेट हो गए। लेकिन ये इवेंट 3 दिन के लिए चलने वाला है, तो अब हम लोग कल सुबह टाइम से आ जाएंगे, बट अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं। मीन वाइल वी आर वेटिंग फॉर आवर कैब, एंड हियर इट्स सच अ ब्यूटिफुल लोकेशन, लेट मी शो यू। सो इफ यू कैन सी, सिर्फ पुराने पुराने टाइप के घर हैं। ये पूरा हमारा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स हु आर अलोंग, एंड ये पहाड़ी तुम देख सकते हो, इट्स सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन मैन। अभी है पेड़ पूजा का टाइम, तो अभी हम आए हैं धाम में। धाम है ना ये? हाँ, धाम इज बेसिकली हिमाचली खाना। एग्जैक्टली चीज़ों के नाम तो मुझे भी नहीं पता, बट हम खाते हैं जो हर जगह अलग अलग होती है। हाँ, हर जगह अलग अलग होती है, तो लेट्स गो एंड चेक इट आउट एंड देन वी विल आस्क दोस पीपल कि वो क्या क्या है। थैंक यू। नहीं जी नहीं, आज मैं खाने वाली हूँ यहाँ पर हिमाचली धाम, एकदम जो होता है ना प्योर हिमाचल स्टाइल फूड। एज यू कैन सी इन माई प्लेट इज दाल है, और ये राजमा है, चावल है, कड़ी अभी आ रही है ऑन द वे है, तो टेस्ट ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग कि काफ़ी अच्छा ही होने वाला है। और ये द बेस्ट पार्ट इज दिस पत्ते वाली प्लेट, पत्तल बोलते हैं इसको जी। कमिंग। यहाँ पर अभी खजियार में होटल है, होटल देवदर, यहाँ पर हमने अभी हिमाचली धाम खाई, एंड ओह माय गॉड, ट्रस्ट मी, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट मील आई हैव हैड इन पास्ट फ्यू मंथ्स। लाइक इट वाज वेरी सिंपल, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन राइस एंड यू नो 3 टाइप्स ऑफ दाल्स, राजमा एंड थोड़े मीठे चावल, यार कितना ज़्यादा स्वाद था। तो कभी भी अगर आप लोगों में से कोई भी हिमाचल आए, कभी भी मौका लगे ना, तो प्लीज़ ट्राई करना कि यहाँ का लोकल फूड खाओ, धाम खाओ, एंड चाहे स्पेशली बनवा के खानी पड़े, मज़ा ही आ जाएगा। इट वॉज सो सिंपल एंड सो गुड, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे हाथ से राइस खाने नहीं आते हैं, बट आई ट्राइड एंड टेस्ट वॉज ग्रेट। ऑल्सो आई मेट फ्यू इंटरेस्टिंग पीपल। मुझे यहाँ पर ये अंकल मिले जो कि है मुक्तसर पंजाब से, और ये वहाँ पर पावर पैराग्लाइडिंग कराते हैं, जो कि एक मोटर पैराग्लाइडिंग होती है ना, जो ज़मीन से ऊपर चलाते हैं। तो मैं इनका फ़ोन नंबर भी डाल रही हूँ, और इनका यूट्यूब चैनल भी, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, कभी भी आप उस साइड जाओ, या अगर कोई पंजाब से वाला वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ डेफिनेटली अंकल के पास जाना। अंकल मैं भी आपके पास कभी तो आऊँगी लाइफ में। हाँ श्योर, पक्का आपको फ्लाइंग कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को करनी है। यहाँ पर समहाउ खजियार में इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2-3 दिन कॉम्पिटिशन चल रहा है, उसकी वजह से टैंडम जॉयराइड फ्लाइंग जो बंद है। आप पंजाब में कभी आओ, मेरे पास आओ, आपको फ्लाइंग कराएंगे। डन, अंकल आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू। चैलेंज है, क्या मैं ये इतने से पोर्शन से जा सकती हूँ? क्या मैं इतनी पतली हूँ? एक टांग आ गई, ये देखो दूसरी टांग भी आ गई, देख रहे हो तुम? कभी कभी तो प्राउड होता है मुझे अपने ऊपर वैसे। तो यार जैसे मेरे पीछे थोड़ा सा शोर आ रहा है, तो आप देख के समझ चुके होंगे कि यहाँ पे फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है, जिसके लिए हम इतने दूर आए हैं ना। और अभी मेरे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर दोस्त पता नहीं इधर उधर कहीं होंगे, मैं ढूंढता हूँ। इन खजियार, एंड अभी जस्ट हम लोग अपने होम स्टे से बाहर निकले हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम लोग चलेंगे लैंडिंग साइट पे। तो उसके बाद आज मैं तुम्हें एक्चुअली थोड़ा सा डिटेल्ड में इवेंट समझाते भी हूँ, बताते भी हूँ, और बिकॉज कल मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमारा खुद का ही मिस हो गया, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। सो बिफोर वी गो, जस्ट लुक एट द सराउंडिंग्स, इट इज़ सो ब्यूटिफुल, इट्स सच अ रॉ एंड यू नो रस्टिक विलेज। मुझे पर्सनली ऐसी जगहें बहुत ही प्यारी लगती हैं। कैसे हो भैया? ठीक। यहाँ पर हम लोग अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, और मेरे ना यार शू वाइट होना शुरू हो गया पता नहीं कैसे, तो मैं अभी सबसे पहले तो कॉटन का जुगाड़ करती हूँ ताकि इसको ठीक करूँ। Underneath it all, everything's
तो बेसिकली फ्लाइंग वाली जो साइट है वहाँ पर जा रही हूँ. दिस इज़ द टेक ऑफ साइट. वहाँ ऊपर मैं भी जाऊँगी थोड़ी देर में, बट मैं सोच रही हूँ यहाँ से एक दो शॉट्स लेती हूँ और तुम लोगों को दिखाती हूँ. यहाँ मैंने अपना कैमरा सेट कर दिया है एंड ऊपर वहाँ पर पायलट्स हैं जो दे आर जस्ट गेटिंग रेडी टू टेक ऑफ. ये जितने भी लोग यहाँ पर फ्लाई कर रहे हैं दे ऑल आर लाइक हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल्स. पूरे इंडिया से लोग यहाँ पर आए हुए हैं एंड वहाँ कहीं दूर जाके लैंडिंग साइट है. इट्स माई डे 3 हेयर इन खजियार एंड आज यार थोड़ा थोड़ा सा ना ठंडा ठंडा सा मौसम है. ऑल द धूप आ रही है बट इट्स लिटिल क्लाउडी. लेट मी शो यू अराउंड फर्स्ट. ओके जितना भी तुम्हें नजर आ रहा है समझ जाओ. सो दिस इज द ब्यूटिफुल खजियार विलेज. इफ यू गेट अ चांस टू स्टे इन दिस होम स्टे विच इज खजियार होम स्टे, इनका मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, तो डेफिनेटली यू कैन गो आउट फॉर अ लिटिल विलेज वॉक. एंड यार वही छोटी छोटी सी चीज़ें होती है ना, जैसे वहाँ पर आंटी अपने बाल धो रही हैं, वहाँ एक आंटी जो सामने बैठी है वो मुझे देख रही है, बच्चे खेल रहे हैं, गाय वाय चारा खा रही है, मतलब ये छोटी छोटी सी चीज़ ना अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है इसे देखने से. एंड ओके सो अगर तुम्हें शोर आ रहा है वहाँ लकड़ियाँ ही कट रही हैं सुबह से, तो बेसिकली आज हम लोग वापस जा रहे हैं दिल्ली के लिए एंड द प्लान इज़ अगेन आज इवेंट का थर्ड डे है तो हम उसको थोड़ा बहुत कवर करेंगे एंड जो कुछ भी होगा मैं तुम्हें दिखाऊंगी. वैसे जो मैं ऑलरेडी तुम्हें दिखा चुकी हूँ इट्स मोर और लेस द सेम, बट अगर कुछ डिफरेंट हुआ तो डेफिनेटली आई एड ऑन. बट यहाँ होम स्टे से निकलने से पहले आई वुड क्विकली लाइक यू टू सी समथिंग. वेट तो गाइज इफ यू कैन सी दीज, ये पूरे होम स्टे में ना ये बहुत सारे पड़े हुए हैं, मैंने तुम्हें डे वन पर भी दिखाया था, बट ये एग्जैक्टली है क्या ये देखो यहाँ पर भी कितने सारे पड़े हुए. तो लेट मी शो यू. ये देखो खुला रहे खुला रहे खुला रहे खुला रहे. एक सेकेंड को बाहर जाना. थैंक यू. सो ये है देसी वॉट देसी मूढ़े. तो जो मक्का होता है ना मतलब कॉर्न, तो जब वो उसके जो छिलके निकाले जाते हैं उसको सुखा के इसको पूरा वीव किया जाता है, ठीक है, और उसको ऐसे सर्कल में बना के ये उसके ऊपर इन्होंने ऊन का ये बनाया हुआ कवर ताकि ये चुभे नहीं. एंड इट्स अ व्हाट मूढ़ा. एंड काफ़ी सही चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा सही. एंड हिमाचल के घरों में तो ऐसे कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि बड़ी आर्टिस्टिक सी हैं और जो सिर्फ यहीं मिलेंगी. घर कितना प्रिटी है ना. ये होती है ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ, जहाँ बहुत अच्छा दिखे फटाफट पहले कैप्चर कर लो, मिस नहीं हो जाए वो. ये जो तेरा इत्र है जब जब करता हूँ महकता हूँ. मुझे बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन मिले हैं, मैं उनसे आपको मिलाती हूँ. सो बेसिकली यहाँ शॉप्स है जो सारी है, एंड में सोनिया मैम की शॉप है. इस बॉल को पिक कर लिया. अच्छा मेरा नाम सोनिया खन्ना है, लोग मुझे माजी के नाम से जानते हैं. मैं खजियार में रहती हूँ 28 साल से, मैं इसी खजियार में हूँ और मैं लोगों के बारे में जो मेरे दिल में जो मेरे नागराजा की आवाज़ आती है मैं लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लोगों को दुआएं देती हूँ और उनको उपाय बताती हूँ कि आप छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर में या अपनी कैसे विश पूरी कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं. आप जब खजियार आएँ तो आप मुझसे ज़रूर मिलिएगा. मैं क्वालिटी रेस्टोरेंट मेरा है, मैं इस क्वालिटी रेस्टोरेंट में रहती हूँ और यहीं पर मेरा मैं आपका कार्ड भी शेयर कर देती हूँ इन केस, जैसे अभी आपने बताया कि वीडियो कॉल्स भी लेते हैं एंड गुड लक चार्म्स आप देते हैं लोगों को. तो गाइस यू कैन यू नो नोट दिस डाउन.
ये खजियार ग्राउंड है ना, एक्चुअली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस. और अभी जो मैंने तुम्हें एक बड़ी अच्छी सी आंटी से मिलाया, उनसे मैंने ये परचेज किया, उन्होंने बड़ी अच्छी सी पॉजिटिव बातें बोली, विशेज़ की, एंड देन बोला कि ये पहन लो एंड किसी के साथ और शेयर नहीं करना. एनीवेज, सो नाउ कमिंग बैक टू द खजियार ग्राउंड, इफ़ यू कैन सी, तो तुम इमेजिन करो ये पूरा मेडो खाली है और यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है. हाउ ब्यूटिफुल एंड क्रेजी इट विल लुक, एंड इट इज़ एग्जैक्टली गोइंग टू बी द सेम प्लेस इन नेक्स्ट वन मंथ, जब यहाँ पूरी स्नो पड़ चुकी होगी. कभी भी आना हो अगर तुम्हें, यू नो, बहुत ही कूल सा एक वेकेशन चाहिए हो जहाँ पर तुम, आई मीन आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, तो नो डाउन खजियार इज़ अ प्लेस टू कम. नाउ हम लोग चलते हैं खज्जी नाग टेम्पल, जो कि तुम देख सकते हो यहाँ पर है. ये ग्राउंड के अंदर ही है, तो फटाफट से चल के मत्था टेक कर आते हैं. और उसके बाद तुम्हें एक मैं लेक दिखाती हूँ, जो बेसिकली वहाँ पर, इफ़ यू कैन सी, तो जो ये नाग देवता है उन्हीं की वो लेक है. और बेसिकली हिमाचल में नाग देवता को बहुत ज़्यादा पूजा जाता है, इन केस यू गाइस डोंट नो. खजियार के जो ग्राउंड का एंड पॉइंट है, यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही सुंदर सा कॉटेज मिलेगा. ये फिलहाल बंद है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसकी डिटेल्स, बट या इट इज़ क्लोज. लेकिन ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी होती है एंड एक दो छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ और भी होती हैं. शॉपिंग के लिए तुम्हें ज़्यादा ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, खाने पीने के ऑप्शन काफ़ी सारे मिल जाएंगे. मेरे पीछे तुम देख सकते हो पूरा ये खजियार ग्राउंड का लेंथ, आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम ऑन दी एज ऑफ इट. इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस. यही है, टाइम पर आगे देख लो. ये अंकल जा रहे हैं ऊपर फ्लाइंग सिख. निका बरात, कोई पैराग्लाइडिंग सीखना चाहता है वो साढ़े नाल संपर्क कर सकते. ये कितना भारी है अंकल, ये कितने केजी का होता है? ये कोई होगा अब 36-37 किलो. 36-37 किलो, वाओ. बेटे इधर आओ, पीछे आ जाओ, सारे उठो जाओ. Guys, if you can see, ये वाले छोटे छोटे से जो पैराग्लाइडर्स है, ये तुम्हें पता क्या है? ये ड्रोन है. ड्रोन के ऊपर इसे छोटा सा ग्लाइडर लगाया हुआ है, ये देखो. आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी और नॉट, बट इस पे ड्रोन उड़ रहा है एक्चुअली, एंड वो नीचे का पूरा फुटेज रिकॉर्ड कर रहा है. गुजरात से एक टीम आई हुई है वीडियोग्राफर्स की, वो लोग ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो ये है क्यूट से छोटे छोटे पायलट हमारे. ये ड्रोन है जिसपे ये बन के उड़ता है. वो देखो दो आ रहे हैं. आप गुजरात से हो ना? हाँ. तो दोस्तों ये गुजरात से हैं सर, और ये इनका, इसको क्या कहते हैं वैसे? आरसी पैरामोटर. हाँ जी, आरसी पैरामोटर. आरसी पैरामोटर, अच्छा अच्छा. That is it for this particular vlog. I really hope तुम लोगों को पसंद आया होगा. ये एक बहुत ही different type का experience था जिसमें मैंने touristy चीज़ें ज़्यादा नहीं करी, obviously because of time constraint. लेकिन मैंने जितना हो सका खजियार आप लोगों को दिखाया. अगली बार I am sure कि मैं चंबा और डलहौजी भी विजिट करूँगी एंड आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी. एंड अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कॉमेंट में मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा. एंड अगर आप लोग कभी यहाँ पर आओ तो डेफिनेटली वीडियो आप लोगों के काम आएगा. और सांस चढ़ गया बोलते बोलते. चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. तो दोस्तों ये सब बहुत ही प्यारे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो हमें बहुत ही सेफ एंड साउंड इतनी खतरनाक रोड्स पे ऊपर लेके आते हैं. तो अगर आप कभी भी चंबा वाली साइड आते हो, डलहौजी वाली साइड आते हो, तो यही सब प्यारे लोग आपको दिखने वाले हैं जो आपको अपनी गाड़ियों में घुमाने वाले हैं. बिल्कुल.
और आई एम श्योर ये लोग आपका ट्रिप बहुत ज्यादा मेमोरेबल और अच्छा बना देंगे, है ना भैया? अच्छे से घुमाओगे? अगर कोई भी आएगा वीडियो देख के, अगर कोई भी बंदा आया वीडियो देख के, अगर उसने बोला कि हीना या बाबा की वीडियो देखकर आए हैं, उनका खास ध्यान रखना, पैमेला की भी, पैमेला की भी लगा लो, चलो चलो कमाक्षी की भी लगा लो, लेकिन खास ध्यान रखना, ठीक है? और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई हमारे जैसी, तो आपको राकेश भैया की गाड़ी में मस्त सतिंदर सरताज के गाने सुनने को भी मिले। गाने तो अरे पंजाबी गाने गैरी संधू के बजते हैं मक्की की रोटी सरसों का साग। गाइज यू नो जब कोई हमारा काम अच्छे से कम्प्लीट होता है, और स्पेशली हमारी जब कोई वीडियो अच्छे से कम्प्लीट होती है, तो हम लोग डैप करते हैं, और आज मैं डैप कर रही हूँ इन खूबसूरत लोगों के साथ चंबा में। 1 2 3 4